गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और आपको जैसे पता है कि हमारा 11वीं क्लास है और इकोनॉमिक सब्जेक्ट हमारा आपका शुरू हो रखा है, और हम लोग आपका इकोनॉमिक्स में देख रहे हैं आपका उदारीकरण, आपका निजीकरण और वैश्वीकरण एक समस्या। तो हम उसके अंतर्गत आपका विनिवेश की आपका बात कर रहे थे। विनिवेश भी लगभग हम लोग आपका पढ़ चुके थे। आज जो है हम लोग अपने चैप्टर को क्या कंप्लीटली आज उसको आपका समाप्त कर देंगे, और हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो आपका आपका चैप्टर होगा हम लोग आपको उसको प्रारंभ करेंगे। क्लियर है? तो अब तक मैं यही कहना चाहता हूँ बच्चों से कि जो चैप्टर हम लोग आपका पढ़ रहे हैं, आपका लिबरलाइजेशन, आपका प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन, अगर किसी बच्चे का भी किसी का भी अगर कोई डाउट है, किसी प्रकार कोई आपका परेशान है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, तो लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हम तक क्या कर सकते हैं, अपना कमेंट हम लोगों को भेज सकते हैं। किसी भी बच्चे का कोई भी प्रश्न है तो आप हम तक अपना बच्चों जो आपका प्रश्न है वो हम तक भेज सकते हैं। क्लियर है? चलिए ज्यादा समय लेते हुए सीधे चलते हैं हम लोग डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, हम लोगों ने बात की आपका विनिवेश की, और विनिवेश को हमने समझा कि सरकार विनिवेश को क्या करती है और विनिवेश क्यों करती है सरकार, जो उसका मेन जो आपका मोटिव था उस मोटिव को हम लोग आपका समझ रहे थे। क्लियर है? सरकार को क्या चाहिए, जितनी भी आपका सरकारी आपका सार्वजनिक उद्यम है उनमें जो आपका विनिवेश है उनमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि पैसा इकट्ठा करने के लिए, और उनको सरकार कैसे इकट्ठा करती है उसको हम लोग आपका देख रहे थे, और कैसे उसको बेचकर औने पौने दाम में वो आपका बेच रही है, कुछ विद्वानों ने ये कहा। हम लोग यहाँ तक जो है अंतिम आपका पढ़ चुके थे। आज शुरू करेंगे हम लोग यहां से आगे। दूसरे शब्दों में इस प्रक्रिया से सरकार को बहुत घाटा उठाना पड़ता है। कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार की जो आपकी प्रक्रिया जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में सरकार को बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ता है। साथ ही विनिवेश से प्राप्त राशि का उपक्रमों के विकास के लिए प्रयोग नहीं किया गया। कह रहे कि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोगों ने आपका विनिवेश किया है, उस विनिवेश वाली आपका राशि में जो भी आपके उपक्रम हैं उन उपक्रमों के आपके विकास के लिए जो चीज हम लाए थे उनका वहां प्रयोग नहीं किया गया, ना ही सामाजिक आधारित आपके संरचनाओं के निर्माण में खर्च किया गया। और कह रहे हैं ये जो भी आपका पैसा था, ये आधारित जो आपकी संरचना है ये उसमें भी आपका खर्च नहीं किया गया। यह राशि सरकार के बजट के राजस्व घाटे को कम करने के लिए लगाई गई। बच्चों किसके लिए लगाई गई है? जो आपके सरकार का जो आपका बजट है उसके राजस्व घाटे को कम करने के लिए। ठीक है? क्या आप सोचते हैं कि सरकारी कंपनी की कार्य कुशलता में सुधार लाने की सबसे अच्छा रास्ता उसकी परिसंपत्ति को बेच देना है? ये कह रहे कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी सरकारी कंपनी को आपको कार्य कुशल बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है, तो उसके लिए क्या यही रास्ता है कि हम लोग क्या कर दें, उसकी एसेट को, जो उसकी परिसंपत्तियों को आपका बेच दें? हम लोग यही तरीका अपना सकते हैं? मुझे बताइए। तो नहीं, हम लोग ऐसा जो है आपका नहीं करते। आगे देखिए, सुधार और राजकोषीय नीति कि हम लोग कैसे वो आपका रिफॉर्म कर सकते हैं और क्या हमारी राजकोषीय नीति है उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए, आर्थिक सुधारों ने सामाजिक क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि पर विशेष रोक लगा दी है। कह रहे कि जो आर्थिक जो जो हमने रिफॉर्म किए हैं इकोनॉमिकल, उसमें जो आपका सोशल एक्सपेक्ट है, उसमें जो आपके सार्वजनिक व्यय हैं, उसमें जो वृद्धि हुई है, हमने उस पर विशेष करके रोक लगा दी है। इस अवधि में कर घटकर और कर वांछन नियंत्रण, कर राजस्व बढ़ाने की नीति का जैसा जो होती है सकारात्मक सकारात्मक प्रभाव से नहीं मिली है। कह रहे कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो टैक्सेशन है जो हम लोग चाहते हैं, और टैक्सेशन को आपका नियंत्रित करें, और जो भी उसमें आपका राजस्व मामले हैं वो नीति बढ़ा सकें, उस सभी में क्या हुआ है, आपका सकारात्मक जो भी आपकी चीजें हैं वो प्रभावी रूप से नहीं बढ़ी हैं। सीमा शुल्क दरों में कटौती सुधार कार्यों का आवश्यक अंग, अतः उन दरों को बढ़ाकर अधिक राजस्व जुटाने का मार्ग बंद हो चुका है। कह रहे कि बहुत सारे जो आपके तरीके हैं कि हम लोग आपकी सीमा कटौती कर दें, आपके दरों में जो आपके सुधार कर रहे हैं वो हम करें, तो अंततः क्या होगा, जो आपका राजस्व है, जो हम राजस्व को अधिक जुटाने में जो आपके बढ़े चढ़े हैं उसमें क्या हो चुका है, वो मार्ग बंद हो चुका है। विदेशी निवेशक आकर्षक करने के लिए निवेशकों को कई प्रकार के कर के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। क्या करते हैं,
बहुत सारे ऐसे कर हैं जिनको आपका कर के लिए उनको क्या करते हैं, आपका प्रोत्साहित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, उनको प्रोत्साहित करते हैं। अब देखिए क्या होता है इसमें, प्रोत्साहित में इसमें से कर राजस्व को बढ़ा पाने की संभवता क्षीण हो गई है। कह रहे कि जितना भी हम लोग विदेशी निवेश लाते हैं उसको आकर्षक कर दे कि आप भारत में आइए, कुछ अपना काम करिए, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, हम आपसे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लेंगे, आप लोग करिए। तो ये जो हम लोक लुभावन जो आपके नीतियां देते हैं उसकी भी जो आपकी संभावनाएं हैं वो क्या हो गई बच्चों, क्षीण हो गई है। इन सब का विकास जन कल्य अधिक होने वाले व्यय आपके नकारात्मक पड़े हैं, और कह रहे हैं कि अगर इनका प्रभाव देखोगे तो आपको नकारात्मक रूप से पड़ा रहा है। क्लियर है? हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि हमने पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या कॉन्क्लूजन निकला, क्योंकि कॉन्क्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण के भारत सहित अनेक देशों पर सकारात्मक प्रभाव तथा नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। कैसे प्रभाव पड़े हैं, आपके पॉजिटिव इंपैक्ट हैं और आपके निगेटिव इंपैक्ट हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि वैश्वीकरण को एक सु अवसर की भांति आपका देखना चाहिए। बहुत सारे जो आपके विद्वान है वो कह रहे हैं कि जो आपका ग्लोबलाइजेशन है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसको सु अवसर की भांति देखा जाना चाहिए, क्योंकि विश्व बाजार में बेहतर पहुंच बनाने के लिए, क्या करने के लिए बच्चों, विश्व बाजार में बेहतर पहुंच बनाने के लिए तथा तकनीकी उन्नयन द्वारा विकासशील महादेशों के बड़े उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण आपका बनाने का अवसर प्रदान करता है। कह रहे कि अगर हम लोग देखें तो हमारे लिए अवसर है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी का विकास होगा, बड़े बड़े उद्योग अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आपके बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। दूसरी ओर आलोचना को मत दिया है कि वैश्वीकरण तो अमीर देश के विकासशील आपका देशों के आंतरिक बाजारों पर कब्जा करने की साजिश है। और कह रहे हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो आलोचक हैं, तो आप ग्लोबलाइजेशन की वो क्या बोलते हैं कि जो वैश्वीकरण है वो क्या है, अमीर देश जो हैं, अमीर देश मतलब जो आपकी डेवलपिंग कंट्री है, वो क्या कर रही है, विकासशील देशों के जो तांत्रिक बाजार हैं उनको कब्जाने की क्या है, आपकी साजिश है आपके ग्लोबलाइजेशन। इनके अनुसार वैश्वीकरण से गरीब देशवासी का कल्याण नहीं है, वरना उनकी पहचान भी खतरे में पड़ गई है। कह रहे कि अगर आप ग्लोबलाइजेशन इतना अच्छा होता तो हमारे जो आपका गरीब हैं, कुछ उनका कल्याण नहीं हुआ है, और जो उनकी पहचान है वो भी क्या हो गई, आपका खतरे में पड़ गई है। यह भी बताया जा रहा है कि बाजार प्रेरित वैश्वीकरण से विभिन्न देशों और जन समुदायों के बीच की खाई विस्तृत हो गई है। कह रहे कि जो लोग हैं और जो आपके जन समुदाय हैं, तुम अगर वहां उनके बीच की खाई को देखोगे, वो खाई कैसी हो गई है, और बढ़ गई है और विस्तृत रूप से हो गई है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अनेक अध्ययनों का निष्कर्ष है कि भारत के 1990 के वित्तीय संकट उसकी आंतरिक संरचना में कोई भीषण विषमताओं का परिणाम था। उस संकट के निदान के लिए बाहरी शक्ति के परामर्श पर सरकार द्वारा प्रारंभ नीतियां उन विषमताओं को और भी गहन बना दिया है। क्या बना दिया उनको, और भी क्या कर दिया उनको, गहन बना दिया है। इन्हें केवल उच्च आय वर्ग की आमदनी उपभोक्ता स्तर का उन्नयन किया गया तथा सारी समृद्धि कुछ इन आपके गिने चुने क्षेत्र तक ही सीमित रह गई है। ये क्षेत्र हैं दूर संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, मनोरंजन, पर्यटन, आपका परिचर्चा सेवा, भवन निर्माण, व्यापार आदि, कृषि विनिर्माण जैसे आधारित भूत क्षेत्र जो देश के आप करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, इन सुधारों से आपके लाभान्वित नहीं हुए। यानी कि मजा किसका आया कुल मिला के, दूर संचार, सूचना, आपका प्रौद्योगिकी, वित्त, आपका मनोरंजन, आपका पर्यटन, परिचर्चा, भवन निर्माण व आपका ट्रेड, इनका तो ग्लोबलाइजेशन में आप ये कहेंगे कि पूरी चांदी कट गई। इनका तो बहुत तगड़ा विकास हुआ, जबकि आपका कृषि और विनिर्माण और जो भी हमारे बेसिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें कोई भी आपका किसी प्रकार का सुधार आपका नहीं हुआ। चैप्टर समाप्त हो गया बच्चों। अब देखिए आप सारे क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंभ हुए, विश्व व्यापार का संगठन का सदस्य होना क्यों अनिवार्य है, भारतीय रिजर्व बैंक, इन सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं और इनको बहुत अच्छे से क्या है बच्चों,
देख सकते हैं, क्लियर है, पूरे चैप्टर के अंतर्गत हम लोग चैप्टर को पढ़ चुके हैं। और किसी भी बच्चे का अगर कोई भी आपका डाउट है तो आपका संबंधित टॉपिक से, तो आप बच्चों हमसे अच्छे से जो भी आपका डाउट है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा, जो आपका चैप्टर था समीक्षा बच्चों, हम लोग उसको क्या है आपका देख चुके हैं, क्लियर है। और देखिए हम लोगों ने क्या सीखा, 1991 में भारत में आरंभ किए गए सुधार नीतियों से हम लोग परिचित हुए कि कौन सी आपका भाई की नीतियां थी, उसको हम लोगों ने देखा। सुधार नीतियों को आरंभ किए जाने की हम लोगों ने प्रक्रिया समझी। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भारत में निहित जो आपके परिचित है विभिन्न आपके सुधार प्रयोग, हमने ये सब चीजें इस चैप्टर के माध्यम से समझी। बच्चों अगर आपका कोई भी डाउट है किसी प्रकार का, तो आप हमको अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से, चैट के माध्यम से लाइव जुड़कर आप हमको जो है अपना प्रश्न भेज सकते हैं। आगे देखिए अब क्या करते हैं बच्चों, ये जो आपका चैप्टर है ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है, अब हम नए चैप्टर की तरफ अपना रुख करते हैं। देखिए नया चैप्टर इकाई 3, और हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां क्या है। बच्चों जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो उसकी वर्तमान चुनौतियां हैं, हम उसको इस लेक्चर के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग आपका देखेंगे। और नया चैप्टर आपका प्रारंभ हो रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियां। और भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौती में सबसे बड़ी चुनौती जो है हमारे सामने खड़ी आई है, और चैप्टर नंबर 4 आपको दिखाई देगा, और चैप्टर नंबर 4 आपके समक्ष है। देखिए ये रहा 4 नंबर लेसन आपका, और चैप्टर है आपका निर्धनता, आपका पॉवर्टी। आज हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे निर्धनता को। निर्धनता यानी कि गरीबी किसे बोलते हैं, गरीबी है क्या। देखिए आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर को पढ़ा होगा कि आपका निर्धनता एक चुनौती, ये 9th क्लास में आपको इकोनॉमी मिलेगा, क्लियर है। और देखिए वैसे 11th क्लास में आपको मिल गया निर्धनता, वहां आपने छोटे रूप में पढ़ा था 9th में, अब 11वें रूप में आप इसको व्यापक रूप से पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं गरीबी क्या है, आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये व्यक्ति गरीब है, मैं आपसे कहूं कि मैं गरीब हूं, आप कैसे कहेंगे कि आप सर गरीब हैं, आप कैसे कहेंगे कि मैं अमीर हूं या मालदार हूं, किस आधार पर, मुझे आधार बताइए बच्चों कि आप मुझे किस आधार पर अमीर या गरीब कहेंगे, बोलिए बच्चों किस आधार पर कहेंगे आप। तो हम जैसा आपको पता है कि जब भी हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ नई चीज लेते हैं और उसके साथ ही क्या करते हैं अपना चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। देखिए निर्धनता टॉपिक है, आप लोग ध्यान रखिए चैप्टर आपका 4 है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, ये हमको ध्यान रखना है। निर्धनता के विभिन्न लक्षणों को जानेंगे कि कौन कौन से लक्षणों से आपके निर्धनता होती है, उन सारे लक्षणों को पहचान करेंगे। निर्धनता की अवधारणा के विभिन्न पक्षों को समझेंगे कि जो आपके निर्धनता की अवधारणा है, उस अवधारणा के कौन कौन से पक्ष हैं, उन सारे पक्षों को समझेंगे। निर्धनता मापने के तरीकों का, जो भी हम लोग आपका निर्धनता को आपका मापते हैं, उसके आलोचनात्मक जो आपकी समीक्षा है वो हम लोग करेंगे, क्या करेंगे उसकी जो समीक्षा है। निर्धनता निवारण के वर्तमान कार्यक्रम को समझेंगे, और जो उनकी हम लोग आपका क्या करेंगे समीक्षा करेंगे। चलिए चैप्टर की तरफ हम लोगों ने अपना रुख कर लिया है, और हम लोग अपने चैप्टर की तरफ क्या है बढ़ चुके हैं। और जब भी कोई हम चैप्टर शुरू करते हैं तो एक छोटी सी कोटेशन, एक छोटी सी लाइन के साथ जो हमारा चैप्टर है बच्चों वो आपका प्रारंभ होता है, क्या होता है आपका प्रारंभ होता है। देखिए कोई भी ऐसा समाज कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता, कह रहे कोई भी ऐसा समाज जो आपका सुखी संपन्न नहीं हो सकता जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन और दयनीय हो, यानी कि जिसके लोग या सदस्य कैसे हो निर्धन और दयनीय हो, यानी कि गरीब हो और असहाय हो, वो देश वो समाज वो कभी क्या नहीं हो सकता, सुखी और संपन्न नहीं हो सकता। एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं इन्हें, एडम स्मिथ, क्लियर है, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं इनका ये आपका कोटेशन है कि कोई भी व्यक्ति मतलब कोई भी समाज क्या नहीं हो सकता, सुखी और आपका संपन्न नहीं हो सकता, और जिसके आपका सदस्य आपका निर्धन और आप कैसे हो,
दयनीय हो। आगे बढ़िए, अगला पढ़ते हैं हम लोग, इसमें देखेंगे। अगला है हमारा प्रस्तावना। क्या है हमारा अब लोग? प्रस्तावना, यानी कि मेन इसका जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको हम लोग क्या है आपका पढ़ लेते हैं। देखिए, पिछले अध्यायों में आपने 7 दशकों से भारत में अपनाई गई आर्थिक नीति तथा विभिन्न विकास सूचकों पर उनके प्रभावों का अध्ययन किया है। क्या करेंगे आप उनको कि पिछले जो आपके 70 साल में, 70 दशक में, क्लियर है, दशकों में जो भी हम लोगों ने क्या है अपनी आर्थिक नीति अपनाई है, उन नीतियों से जो आपके विभिन्न आपके जो आर्थिक जो आपके सूचकांक हैं और उनके प्रभावों का क्या किया हमने अध्ययन किया है। क्लियर है, 70 साल में हमारी क्या स्थिति रही है, क्या इकोनॉमिकल हमारी पॉलिसी थी, उनके विकास को हमने किया है। जन जन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की संपूर्ति और निर्धनता निवारण स्वतंत्र भारत का एक प्रमुख लक्ष्य रही है। क्या रही है कि जितने भी आपके लोग हैं उन लोगों को जो आपकी न्यूनतम आपकी मूलभूत आवश्यकता है वो उनकी क्या हो, आपका पूर्ति हो, और जो आपके निर्धनता है हम उसको निवारण कर सके, स्वतंत्र भारत की एक क्या रही है आपकी प्रमुख आपका लक्ष्य रहा है। क्लियर है भाई, सबसे बड़ी हमारे सामने क्या चुनौती थी, गरीबी और खाद्यान्न। और खाद्यान्न किससे जुड़ा है आपका, गरीबी से। अगर हम लोग इसको दूर कर पाए तो जो हमारा चैलेंज है वो हम लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे। अब देखिए, हमारी सभी पंचवर्षीय योजनाओं के जितने भी हमने 5 ईयर प्लानिंग करी है, पंचवर्षीय योजनाओं ने विकास के जिस रूप स्वरूप को अंगीकृत किया है उसका उद्देश्य समाज के निर्धनतम और पिछड़े सबसे पिछड़े भा सदस्यों का उन्नयन यानी कि अंत्योदय रहा है, साथ ही निर्धन वर्गों को समाज की मुख्य धारा का अंग बनकर सभी के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने का जो ध्येय है, ध्येय से लेकर सारे विकास कार्यक्रम की आपकी रचना की है। क्या की है, इतने भी सारे विकास कार्यक्रम हैं, हम लोगों ने उन सारे विकास कार्यक्रम की आपका रचना की है। क्या की है आपका, रचना की है। आगे देखिए, संविधान सभा को संबोधित करते हुए 1947 में जवाहरलाल आपका नेहरू ने कहा था, स्वतंत्रता की प्राप्ति एक कदम मात्र है। कह रहे कि जो हम लोगों ने आपका, किसने कहा है, पंडित आपका जवाहरलाल नेहरू ने, कि जो आपके स्वतंत्रता है वो क्या है, एक हमारे लिए एक कदम मात्र है, एक सु अवसर का आरंभ मात्र है। कह रहे एक सु अवसर का हम लोग आरंभ किया है, अभी तो बहुत सी महान उपलब्धियां विजय उत्सव हमारी प्रतीक्षा में है। कह रहे कि बहुत सारी उपलब्धियां और बहुत सारे विजय महोत्सव कैसे है हमारी, हमारे बच्चों प्रतीक्षा है, हमारे वेट कर रहे हैं। ये होंगे कौन सी उपलब्धियां प्राप्त करनी हम लोगों को, निर्धनता, अज्ञान, रोग, अवसरों की समानता, असमानताओं के उन्मूलन के उत्सव। कह रहे ये सारे ऐसे पॉइंट हैं जिन लोगों को हम लोगों को दूर करना। अगर हम लोग ऐसा कर पाए तो मानिए जिस थ्योरी को हम लोग चाहते हैं वो क्या होगा, वो पूरा हम लोग बहुत अच्छे से आपका हम लोग क्या कर पाएंगे, उसको अपने लिस्ट में जो हम लोग चाहते हैं हम उसको कर पाएंगे। क्लियर है, किंतु आज हम कहां तक पहुंच पाए हैं यह है जानने की आवश्यकता है। आज विश्व के निर्धनों की कुल संख्या के 1/5 से अधिक निर्धन केवल भारत में रहते हैं। कह रहे कि जितने टोटल गरीब हैं आपके वर्ल्ड में, विश्व में, अगर उसके 1/5 की बात करें, उससे भी अधिक, 1/5 कहां रहते हैं, अकेले केवल भारत में रहते हैं। यहां लगभग 30 करोड़ लोग ऐसे बसे हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरतों को आपके पूरा ढंग से नहीं कर पाते हैं। यानी कि भारत में 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कैसे हैं अपनी बच्चों, जिनकी जो आपकी मूलभूत आवश्यकता है वो उनको आपका पूरा नहीं कर पा रहे। यानी कि भारत में 30 करोड़ लोगों की ऐसी संख्या जो बहुत बड़े आपको गरीबी के रूप में हम लोगों को क्या हो गई आपका दिखाई दे रही है। क्लियर है बच्चों, तो आप इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि गरीबी भारत में आपका कितना बड़ा व्यापक रूप है और उस व्यापक रूप को समाप्त करने के लिए हमारे कौन कौन से प्रयास है। क्लियर है। अच्छा बच्चों, बताइए कि अभी जो है हम लोगों ने गरीबी को जितना समझा है,
इस वाले पार्ट में, यहाँ तक आपका किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई कोई चीज है जो आपको समझ नहीं आई है, और हमारे लक्ष्य हम लोग क्या रख रहे हैं आजादी के बाद का, यहाँ तक का सफर जो है आपका, किसी को कोई ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आ रही है, कोई भी बच्चा, देखिए ये हमने जो है बच्चों बहुत लंबा जो सफर है वो हम लोगों ने आपका तय किया, किसका, आजादी के बीच का जो हमने सफर है वो हम लोग आपका बहुत लंबा जो है आपका तय कर पाए हैं, ठीक। क्योंकि आप खुद देख पाएंगे बच्चों कि गरीबी जो है वो कैसे आपका एकमात्र, आप ये कहेंगे, कारण नहीं है, और उसके बहुत सारे लक्ष्य हैं जो हमारे ने अपने स्वतंत्रता के बाद हमने रखे हैं, जिनको हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग स्वतंत्रता को कैसे प्राप्त करें, और उसके साथ हम जो हमारे आगे के जो अपने लक्ष्य होंगे, गरीबी निर्धनता हम इनको कैसे दूर करें, ये हमारे सामने क्या है एक बच्चों, बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ी चैलेंजेस के रूप में हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है। क्लियर है ये आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से आपको देखना है कि गरीबी क्या है और कैसे हम लोग आपका गरीबी को दूर करें, क्या उसके निवारक हैं, इन सबको हम लोग अपने चैप्टर के अध्ययन से जो है बच्चों बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा और हम लोग ध्यान देंगे। अगर आप देखेंगे बच्चों, मैं आगे अभी नहीं शुरू कर रहा हूं क्योंकि हमें थोड़ी चीजों को आपको समझ लेना चाहिए कि कैसे क्या चीजें हैं उसको समझते हैं। अगर यहां तक कोई चीज ऐसा है कि आपको पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे बताइए प्लीज। सब कुछ समझ आया क्या? चलिए और कुछ, और किसी बच्चे का, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है आज के लिए जो है हमारा लेक्चर, हम लोग जो है हम अपने लेक्चर को क्या करेंगे, यहीं विराम देंगे, क्योंकि जो आपका समय है वो आपका समाप्त हो रहा है, और हम लोग ध्यान देंगे बच्चों कि कल हम लोग इस चैप्टर को यहाँ से आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में, मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।